शर्मा शो। समय कितना बदल गया है आजकल, आप न्यूज देखो कितने बदल गए हैं। आजकल एक न्यूज चैनल पे अगर किसी के पास बड़ी खबर आ गई, अगर किसी सर फिरे ने नेताजी को थप्पड़ मार दिया तो कैसे किसी न्यूज बनाते आगे। ध्यान से देखिए, एक सर फिरे ने नेताजी को थप्पड़ मारा। अच्छा, उसने एक मारा होता ये 50 बार दिखाते रिवर्स कर करके, तो नेता जब घर में बैठा देख रहा था ना, फ्लैक फ्लैक, तो पास में बीवी खड़ी पूछ रही होती, ए जी इतनी जोर से मारे थे क्या? अरे नहीं, ये तो एक मारा था, ये साउंड डाला है उन्होंने, इतना है नहीं। उसका गुस्से में ना 50 थप्पड़ वाला मुंह सूज जाता उसका घर बैठे बैठे, इतनी प्रॉब्लम। अच्छा, पहले की न्यूज देखो आप, जो पहले सरकारी चैनल पे होते थे, अंकल से आते थे बेचारे। अच्छा, कभी कभी वोल्टेज कम होता था, चश्मा लगा के आते थे, इतना सा मुंह, इतना बड़ा चश्मा, उनका चश्मा फिर टीवी के बाहर चला जाता था। हिलते हिलते न्यूज पढ़ते थे जो, और बेचारे इतने डरते हुए पढ़ते थे ना कि आज भारत के प्रधानमंत्री जैसे हम लोगों ने उनके पैसे काट लेने हैं। अभी तो न्यूज एंकर बड़ी स्टाइलिश आ गई ना, आज बताएंगे मौसम के बारे में जानकारी, लगता है कि मौसम इतना अच्छा है। ये सबसे सही बोला सब। उस समय के एंकर जो पुराने सरकारी चैनल पे थे, वो तो कोई भी खबर दे लो एक ही एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे, आज प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया, सुबह तक तड़के मुख्यमंत्री को दिल का दौरा पड़ा, दौरा कोई भी एक्सप्रेशन सेम रहते थे। अच्छा, आजकल देख लो न्यूज फास्ट होगी, फालतू का जोश भर देते कभी कभी। सुरेश रैना ने अगर 40 रन बना दिए तो जितनी स्पीड में उसने बनाए उससे स्पीड तेज स्पीड से बताते हैं, सुरेश रैना ने बनाए 40 रन धुआंधार और ऑस्ट्रेलिया के मनसूबे में पानी फेर दिया। 40 रन भी ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने 400 बना दिए। अब पुराने टाइम पे वर्ल्ड कप भी जीता थे ना, तब भी ये न्यूज एंकर कैसे बताते थे, आज कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने अजय माने जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर विश्व कप पर पहली बार अपना कब्जा किया। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी अपनी शुभकामनाएं। अच्छा, 26 जनवरी की जो परेड होती थी, जसदेव सिंह जी उसमें उनका वॉइस ओवर होता था और कमेंट्री भी वही करते थे, और वो सेम स्टाइल में कर देते थे, क्रिकेट कमेंट्री भी और 26 जनवरी की परेड भी, जैसे उनका बड़ा अंदाज बड़ा प्यारा सा था। भारत के वीर जवान तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं, नारंगी सफेद और हरा रंग इस देश की अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। अच्छा, पता नहीं चलता था कब क्रिकेट में शिफ्ट हो गए, जैसे क्रिकेट में पहुंचे ना, नवाब पटौदी की मजबूत स्तंभ की तरह मैदान पे पैर जमाए खड़े हुए हैं, दूसरे शोर पर इन्हें सलामी दे रहे हैं भारत के वीर बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ। अच्छा, जितनी देर में ये गुंडप्पा विश्वनाथ बोलते थे ना, आजकल 2020 में एक ओवर खत्म हो जाता है। टाइम इतना फास्ट आ गया ना, आजकल न्यूज वालों ने नई नई न्यूज बनाई है कि 60 सेकंड में 60 न्यूज, बड़ी फिर आती हूँ, इतनी न्यूज होती नहीं है, कैसे करते एक ही न्यूज को 3-3, 4-4 बार बताते हैं। अच्छा, एक ही न्यूज के अलग अलग पार्ट कैसे बनाते हैं, मोदी ओबामा से मिलने अमेरिका पहुंचे, उसमें दूसरी न्यूज, दो देशों के दिग्गज नेता मिले, ओबामा ने किया गर्म जोशी से मोदी का स्वागत, दोनों नेता एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। अच्छा, एक ही न्यूज है ये, क्या बात है, इसके 5 पार्ट बना देते हैं धीरे धीरे म्यूजिक डाल के। अच्छा, पहले क्या 45 न्यूज तक तो ठीक आती है, 40-45, उसके बाद में ना ओबामा से शुरू करते हैं, बात पहुंच कहां तक जाती है। मिर्जापुर में औरत ने पति का कान काटा, वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप, पटना में दहेज मांगने वाले ससुर पे थूक के भागी दुल्हन, दौसा में पेरेंट्स मीटिंग करने आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। अब समाचार विस्तार से, मिर्जापुर में औरत ने अपने पति का कान काटा, वो पति हमारे साथ मौजूद है, तो आपका कान जब काटा तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, कुछ एंकर होंगे आप देखेंगे पतले पतले से होते हैं, दुबले से, खुले खुले कोट पहन के आ जाते हैं, उनके प्रोग्राम के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, जुर्म से टक्कर। तो वो फिर सब लोगों को साथ में कैसे जोड़ते हैं, आइए हम और आप मिलके लेंगे जुर्म से टक्कर, उनको पता है अकेले में ले नहीं सकता, अकेले लूंगा मार पड़ने के चांसेस है, तो फिर सबको साथ मिलाता है, आइए हम और आप पूरा देश मिलकर लेंगे जुर्म से टक्कर। अच्छा, कोई सैड न्यूज चल रही होती है, आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाएगा, तो बीच में छोटे छोटे कार्टून भी आते नीचे पुटुक करके, तुम देख तो यार कौन सी न्यूज चल रही, बीच में क्या डाल रहे फुल। अच्छा, कभी कभी ना न्यूज वाले बाढ़ की खबर को कवर करने जाते हैं ना, तो आज पूछते हैं कि बाढ़ हाई है यहाँ पे इस एरिया में, तो लोग बहुत ही उदास हैं, चिंतित हैं, किस आदमी से पूछ भी रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, बहुत विचलित हो रहे हैं, खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, तो पीछे जो आदमी अच्छे से बात कर रहा है वो तो ठीक है, जो पीछे खड़े उनको कोई एंजॉय कर रहे होते हैं पीछे कैमरे को देख के। कुछ भी करते हैं लोग। अच्छा, कभी कभी आप देखना कमेंट्री आजकल बड़ी तेज हो गई है। अच्छा, जो कमेंटेटर सबसे ज्यादा जल्दी बदलते हैं, जैसे हमारे सिद्धू बाजी, जब
अगर सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका बोलने का स्टाइल बड़ा मजेदार होता है। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये लगा चौका। बड़ी बड़ी दोस्ती करते हैं। शेर पहली दहाड़ में बता देता है उसके हौसले क्या है। आज अगर वीरेंद्र सहवाग 400 रन भी बनाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। अगली बॉल में वीरेंद्र सहवाग आउट, इनके विचार कैसे बदलते हैं। देखो गुरु, मेरे पिताजी कहा करते थे घमंडी का सिर नीचा, ये कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग न्यूज में आने के लिए ना अजीब अजीब काम करते हैं। इंटरनेट पर वीडियो देखा मैंने, एक आदमी 90 सेकंड में 150 कच्चे पहन लेता है। ये हमारे दिनेश ने पूरी लाइफ में इतने कच्चे नहीं पहने होंगे। इसका कच्चे को रंग भी छोड़ता था इसका, एक तो भले पीठ लाल हो जाए कच्चा नहीं चेंज करना है। आप में से कोई है जिसने ऐसा कभी ट्राई किया हो? हाय कपिल। हेलो, मैं संगीता अरोड़ा सिलीगुड़ी से आई हूँ। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आई आप। हाँ जी, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मैम। और मैं एक साल से ट्राई कर रही हूँ आपसे मिलने का। आपने पूछा कि लोग फेमस होने के लिए, न्यूज में आने के लिए कुछ भी करते हैं, तो मैं वहाँ सबको पहले से ही बोल के आई थी कि मैं कपिल के शो में तो जरूर जाऊंगी। मैं आज कपिल के साथ खड़ी हूँ, मैं तो वैसे ही फेमस हो गई, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर भगवान ना करे ये आपके वाला पोर्शन एडिट हो गया, कट गया, तो सिलीगुड़ी से आने का खर्चा गया आपका? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करोगे। मैं तो करता नहीं, तो चैनल करता ना बाद में। नहीं नहीं, आप नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम शो में आने के लिए आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। आप में से किसी ने कोई अतरंगी सी न्यूज सुनी कभी आज तक न्यूज चैनल पे? जी मैडम। हाय कपिल सर। हेलो, मेरा नाम पूजा है, मैं न्यू बॉम्बे से आई हूँ। जी पूजा जी, शुक्रिया। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि वो न्यूज चैनल वाले बार बार वो वियर्ड न्यूज दिखाते हैं, जी, ऐसा 2012 दिसंबर में कुछ ऐसी न्यूज आई थी कि कोई कॉमेट अपने अर्थ से टकराने वाला और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जी जी, 2012 में आया, फिल्म भी बनी उसके ऊपर। जी, और वो दिन रात यही दिखा रहे थे। सर मैं इतना डर गई थी जी, क्योंकि मैं सोची कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ना मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई ना मेरी उम्र है जी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो कम से कम हम कहीं घूम ही आते हैं। अच्छा। तो मेरा बहुत शौक था कि मैं भूटान देख के आऊँ। अच्छा। हम भूटान चले गए जी, 7-8 दिन घूम फिर के आए, और आज 2016 चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर। तो आप वेट कर रही थी कुछ हो? सर वेट नहीं कर रही थी, बट मैं बताना चाह रही हूँ ऐसी वियर्ड न्यूज है जो दिन रात आ रही थी। और पर आपको इस बात की खुशी है कि 2012 में कुछ नहीं हुआ ना? जी बहुत खुश हूँ सर। मुझे लगा आपको इस बात का दुख है कि इतना खर्चा भी हुआ, कुछ नहीं। सर दुख इस बात का है कि अब अगर मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोलती हूँ तो बोलते हैं विश्वास मत करो, अब ये सब इंटरटेनमेंट हो गया न्यूज, कुछ रियलिटी है। जी आए सर। कहाँ हैं? अरे पीछे छुपे हुए, कैसे आप? तो भाई साहब कितना खर्चा हुआ आपका भूटान पे? अराउंड 40-50,000 तक हुआ था। अच्छा, तो बाद में जब आप वापस आए आपने लिखा 2012 तो ठीक ठाक निकल गया। 2013 फर्स्ट ऑफ जनवरी को आपका मूड कैसा था? नहीं अच्छा ही था एक्चुअली, खुश तो थे कि कुछ हुआ नहीं करके। नहीं चलो अच्छी बात है, पूरी दुनिया सेफ रहे अच्छी बात है, अफवाहें तो आती रहती। पर आप वैसे करते क्या भाई साहब? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में हूं। चलिए अच्छी बात है, चलो चाहे गलत न्यूज ही थी लेकिन आप मियां बीवी को टाइम स्पेंड करने का तो मौका मिल गया ना। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल। फिर तो काफी टाइम हो गया, कोई नहीं। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। चुनु भैया, ये लुंगी सुखाने की जगह? तो कल लूंगी सुखाने के लिए एयरपोर्ट चले जाएं। ट्रेन की खिड़की में बाहर मुंह निकाल के सफर करने वाले आदमी अभी एयरपोर्ट जाओगे? अंदर लेके जाओ लूंगी, ये गेस्ट आने वाले इधर। हाँ तो तुम्हारे गेस्ट जो है अपना लूंगी पहन के नहीं आएंगे, जो हमारे लूंगे में घुसेंगे। अरे रुको, हम नीचे आके बात करते हैं। अरे मेरे मौसी का बेटा है चुन्नू, इतना बेवकूफ आदमी है ना ये, रात को 12 बजे घर पे आया, मेरे को आगे उठा के कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं आऊंगा, तू सो ले सुबह आऊंगा। इतना बेवकूफ आदमी है। हम हैं चुन्नू त्रिपाठी, लंबी चौड़ी है कदकाठी। अरे ये देखिए, हमारा ये छोटा भाई शहर आके सब संस्कार भूल गया। मत भूलो, आज भी गांव में सुबह उठ के सबसे पहले बड़ों के पांव छूते हैं। तो तुम्हारे घर में तो सभी एक दूसरे के पांव छूते हैं, एक आदमी इधर मुंह करके सोता है, एक इधर, सब एक दूसरे के पांव छू रहे होते रात को, बेवकूफ कहीं के। अरे आ गए शहर में तंग करने। अरे सुनो एक बात कपूत, तुम भूल गए हम तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किए और तुम हमारे लिए ये सब बोल रहे हो है? क्या एहसान किए मेरे पे? अरे भूल गए तुम, हम तुमको जिंदगी में सबसे पहला फिल्म हम दिखाए रहे, हम हाँ छोटा चेतन, इसीलिए तुम आज बड़े बड़े हीरो लोगों को यहाँ बुला के उनका इंटरव्यू लेते हो। हाँ तो फिल्म तो तुमने भी देखी थी मोटू लाल, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इंटरव्यू? छोटा चेतन था, तुम छोटे हो इसलिए आ गए, बड़ा चेतन होता तो हम आ जाते। अभी सुना
और तुम्हारा वो एहसान चुकाने का टाइम आ गया। हम यहाँ आए हैं किसी बहुत बढ़िया हीरोइन से शादी करने। बाकी तुम तो समझदार हो। मैंने ना कच्चे में रॉकेट चला था ना आपके। समझदार हो, गांव से रिजेक्ट होके आगे और इधर हीरोइन शादी करेगी आपसे, क्यों? अरे कोई और ना करे पर दीपू जरूर कर लेगी। दीपू कौन? दीपक चौरसिया? अरे नहीं नहीं, दीपू पादुकोण, दीपिका। हम छोड़ दिए, शादी के बाद हम। रिश्तेदार हो तुम लोग, रिश्तेदार इसलिए जिंदा खड़े। मैं काला टीका कैसे लगाया जैसे बड़ा करीना कपूर जैसा मुंह आपका। अरे आपका मेल है दीपिका पादुकोण के साथ? वो कहां हॉलीवुड पहुंच गई, और ये तो हिंदी फिल्में भी भोजपुरी सबटाइटल के साथ देखता है आदमी। देखो तुम ये सब फालतू बातों में हमें मत घुमाओ। हमको बता तुम हमारी शादी कब कराओगे? हमसे अब अकेले सोया नहीं जाता, बाकी सबों की शादी करा दी है बाबूजी ने। अकेले सोने में डर लगता है हमको। इनके पिताजी बड़ा डरते थे, डर डर में 7 बच्चे पैदा कर दिए। अभी भारत सरकार इनसे डर रही है, पता नहीं और डर डर के क्या कर दे ये लोग। अरे देखो तुम ये फालतू बात मत करो, तुम हमारी बस दीपू के साथ शादी करा दो। वो नहीं करेगी। एक शर्त है, वो कहती उसी शादी करूंगी जो कोहनी अपनी चाट लेगा जीभ से। तो चाट लेते। अरे अपनी तो चाट लेगा ये वाला। हाँ ना चाटा जरा। कटरीना का काटी। उसका डिमांड है कि लड़का ना सफेद जूता खा लेता हो तो मैं पहना है, मैं उतारता हूँ। एक मिनट। अरे हमारा जूता भी सफेद है, वो भी नया है, ज्यादा सफेद। हम अपना जूता खा के आते हैं, सब समझते हैं। अरे लूंगी का पी रहा है, जूता खिलाओगे? हम भी शादी किए भी नहीं, यहाँ से जाने वाले नहीं है, सोच लो। नानी बदतमीज को निकालो घर से बाहर। पाजी कुछ पुरानी चीजें गायब होती जा रही। देखो आपने कभी देखा आजकल मदारी का खेल? बंदर मदारी सड़कों से गायब भी हो गए हैं। बिल्कुल। एक्चुअली ये बंदरों ने प्रोटेस्ट किया पहले। ओ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने ठेका ले रखा तुम्हें कमा के खिलाने का, अपना अपना देखो। सही बोला। पर पाजी जो बंदा चुनौतियों को स्वीकार करता है, कुछ हटके काम करता है, वही होता है असली कलाकार। सो ऐसे ही एक वर्सेटाइल एक्टर जो है आज हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर इरफान खान का। इरफान भाई आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। दुनिया भरी पड़ी है जी जमाने में जो लोगों के पीछे चलती, सेफ बन के रहना चलती, लेकिन कोई कांटों पे चल के अपनी राह बनाए वो यही बंदा है। मान लो मेरी बात, वो यही बंदा है। तो, हैवानों के ऊपर शैतान, सातों लोकों के ऊपर भगवान, ऊपर भगवान बॉलीवुड में इरफान। शैतान ना हो ना तो तेरी तरह यहाँ नहीं पहुंच सकता। याद मतलब शैतान और भगवान का साथ साथ होता है। मतलब मैं शैतान? नहीं जी, आप भगवान, हम शैतान। क्या आजकल आज खा कर रहे हैं आप? दिन भर दिन मतलब ब्यूटी बाहर निकल रही है, ड्रेस भी चमक रही है यार। ड्रेस देखो आज। खाना जो है बंद है आजकल। खाना बंद है? हाँ। ऐसे क्यों? मैं आपको देख देख के जरा इंस्पायर हो गया हूँ। भाई ये टॉन्ट कर रहे हो ना आप मेरे को। क्योंकि पहले आपका फिजिक जब आप आए थे तब कुछ और था जी, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, फिर साथ हीरोइन आ गई आपके साथ। तो मैंने कहा मैंने क्या गलती की ऐसी यार, मैं भी खाना बंद कर देता हूँ। अच्छा इरफान भाई, हमने मदारी का ट्रेलर देखा, ना तो उसमें बंदर है ना भालू है। हाँ जी। सो हाउ कम इट्स मदारी, मतलब क्या इसके बारे में बताइए। ऐसा था पहले जब टेलीविजन नहीं था ना तो रास्ते में मदारी बंदर का खेल चलता था, लोग देखते थे जी। तो अभी क्या हो गया, तो वहां से चला गया जी, बंदर भी चले गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था, मदारी अपनी जगह चले गए, उनका धंधा बंद हो गया। अब उसकी जगह ले लिए इस शो ने।
मुझे समझ नहीं आया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बंदर कह रहे हैं कि मदारी कह रहे हैं? वो लोग समझ लेंगे। पिछली फिल्म जज्बा में इरफान भाई की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी, इस बार कोई भी नहीं, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैं इससे पहले आया था पीकू में जी, दीपिका के साथ जी, फिर ऐश्वर्या जी के साथ आया जी, था। उसके पहले भी किसी और हीरोइन के साथ आया था जी। जब जब मैं आया हीरोइन के साथ, आपने मुझे तो छोड़ दिया वहाँ और हीरोइन पे आप कूद गए। मतलब अब ये बिल मेरे पे फाड़ रहे हो आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म साइन करने के पहले पूछा पब्लिसिटी में कपिल के शो पे जाना है, उन्होंने कहा जाना है, मेरे का हीरोइन नहीं होना चाहिए, मैं अकेला करूँगा, हीरोइन बनना होगा मैं बन जाऊँगा। मुझे पिछली बार तो मैं शो में आया था, तो मुझे लगा था मैं हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म का, मैं हीरो क्यों हूँ? तो आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं होने की वजह ये है। आज देख ले ध्यान से, मैंने हीरो पे शेर मारा है और हीरो ने तेरा बैंड बजाया, तो बजाया कि नहीं बजाया? पिछली बार जब इरफान भाई आए थे ना हमारे शो में, तो इनको नाराजगी थी आपसे, मुझे याद है इरफान भाई ने आके इनको कहा था कि सिद्धू साहब लड़कियों के लिए बड़े शेर बोलते हैं, हमारे टाइम पे आपका गालिब मर जाता है क्या? आज पाजी ने वो बात मुझे लगता है ध्यान में रखी, आते ही आपके कसीदे में एक तो शेर पाजी ने पढ़ दिया। आपने मुझे बोला था कि आप सिद्धू पाजी पे ये अगर बात कह दो तो मैं सारा ध्यान आप पे दूंगा। अच्छा भाई, बीवी प्रोड्यूसर हो उसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है, अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, टीवी पे आएगा ना। फायदा ही फायदा है, वहां जाके कुछ और बात कर लेंगे हम जी, वहां जाके असली बात बताऊंगा आपको पीछे। तो आप कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है? फायदा ही फायदा है। मदारी फिल्म में इरफान भाई के साथ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रोल किया है भाई, आप बच्चे का ध्यान रखते थे या पहले उसको दूध पिलाते थे, या बींग ए स्टार पहले खुद जूस पीते थे आप? सर ये बोल रहे हैं आप स्टार हैं, आपके लिए जूस आता था, आपको पता है मेरे लिए जूस आता था? आपको पता है ना किसने प्रोड्यूस किया है फिल्म, किसने प्रोड्यूस किया आपको पता है ना? मैं तो अभी ने जूस का बजट नहीं रखा था आपका? जूस का बजट था, वो बच्चे के लिए आता था, बार बार पहुंचाना पड़ती थी बात के बच्चे को कुछ चाहिए, मतलब क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो फिर पहले हम पीते थे फिर उसको पिला देते थे, फिर जूस भी चीजें उसके नाम से मंगानी पड़ती थी बच्चे के नाम से। हाँ, एक बार मैंने ब्रांडी मंगवा ली। भाई फिल्म में और कौन कौन है आपके अलावा? देखिए इस फिल्म में मैं हूँ जी, और मैं हूँ और मैं हूँ, तो मतलब आपके अलावा फिल्म में और कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेला। ओके क्या बात है यार, सादगी भरे चेहरे पे जवां मुस्कान कातिल है, ये वो समंदर है जिसके पास अभिनय का साहिल है, ढूंढ कर देखो जमाने में, ये मेरा दावा है, शेर दिल तो मिल जाएगा लेकिन शेर गिल मिलना मुश्किल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू भाई। इरफान भाई से, जिमी भाई से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, सर आइए यहाँ पे। शुक्रिया। नए सोफे बनवाए हमने, अच्छा इस पर अभी इसमें फोम स्पंज भी असली है भाई, मतलब बजट काफी है मेरा। और एक ही कलर का सोफा रखा है। जी भाई, आपका इस फिल्म में क्या किरदार है? बस इनके पीछे भाग रहा हूँ जी। इनके पीछे भाग रहे हैं? इनको पकड़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। इतने हैंडसम आदमी, लड़कियों के पीछे भागो आप, इरफान भाई के पीछे भाग रहे? लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो यार, उनको मेरे पीछे भागने दो भाई। भाई आपको मेरे से मतलब पहाड़ के नीचे नहीं भाई, आपको बड़े भाई होने के नाते सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे।
आपको सपोर्ट की जरूरत है। मैं उस दिन ऐश्वर्या के साथ ऐसे सेल्फी रहा था, बीच में इरफान भाई ऐसे मुंडी डाल दी मेरी। आपको पता है जिमी पाजी को 1996 में पहली फिल्म करी थी माचिस, और आज 2016 20 साल हो गए यार, कमाल है। पाजी आना कैसे हुआ था आपका फिल्मों में? माचिस पहली फिल्म थी गुलजार साहब की, गया उनके पास मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए था जी। तो वहां गया, उन्होंने पूछा करते क्या हो, मैंने कहा सर मैं एक्टिंग क्लासेस कर रहा हूँ। एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? अच्छा, तो वहां से बात शुरू हुई थी। और फिर जब मैंने, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिला तो उन्होंने यही कहा था कि कौन सा रोल पसंद आया तुम्हें। मैंने कहा सर वो जिमी का जो है, जिमी क्यों? तो वहाँ से मैंने कहा कि मेरा पेट नेम जिमी है, तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है, दाढ़ी उगा लो और बाल उगा लो, यू आर डूइंग द फिल्म। मैं जल्दी से भाग लिया था वहाँ से, इससे पहले कि ये बदल लें अपना बयान, वहाँ से शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इरफान भाई आपने 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 तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ, टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं से की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया कि इरफान भाई आपने पहला पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार, मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियाँ हुई थी एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300-300 रुपए कुछ देने मिलने वाले थे और 300 रुपए बहुत थे हमारे लिए। अच्छा, क्यों, हम महीना 400 रुपए में चलता था, यू नो, तो 300 रुपए बहुत हो गए। तो हमने कहा हाँ जी करेंगे करेंगे। तो हम चले गए वहाँ, तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविज़न करने लगा था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्यों फिल्में करके टेलीविज़न टेलीविज़न करने लगा था, क्योंकि होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही, चलो टेलीविज़न में कमा लो जी। तो वो मतलब वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा, और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए और गरीब ये तो गरीब लगना चाहिए और ये मतलब रियल रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए, लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए, अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर है? और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर है, मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मेरा जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले प्रोड्यूसर डायरेक्टर कट कट कट, अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो उसने बोला यार ये कहाँ कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने बोला, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ा बड़ी बात होती है आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। हाँ। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह है, पाजी शो के जज थे तो मैं गया। तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता? अरे वहां पे एक बंगाल से था लड़का क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर, मैं भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचूं कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है तेरा टाइम। तो कोई 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट। मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे, और बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। अच्छा, मैं ना हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिम भाई, 6-7 लोगों का, सब थिएटर वाले लड़के। तो एक लड़का हमारे ग्रुप में था, वो जैसे मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, वो 3 बार गया था। तो झूठ बड़ा बोलता था आके, कहते इरफान खान है ना जो रात को कैंडल जला के ना, मैं कहा उनकी आंखें इतनी इंप्रेसिव हैं कि आप डायलॉग ना बोलो आंखों से बात कर लेते हैं। तो कहता उसके लिए बड़ा रियाज करते हो। मैं क्या कहता, सर से रात ना कैंडल जला के ऐसे देखते रहते हैं उसको। तो मैं तब भी सोचता था जवान आदमी रात को कैंडल जला के कैंडल ही देखेंगे। तो ये सच तो नहीं है ना भाई? सच है, आप रात को कैंडल देखिए। ऐसा है भाई साहब, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगा है जी, बाल हो जाते हैं अपना, कुछ भी हो जाता है। आंखें तो नहीं होती? हुई है हमारी, ऐसी नहीं थी बचपन में हमारी। ऐसी नहीं थी बचपन ना, ये तो फिल्मों में आने के बाद। तो आपने ऐसा क्या देखा आपकी आंखें खुल गई?
मतलब इरफान भाई जब देखते हैं तो आदमी लुक से डर जाता है कि नहीं यार कुछ करने वाले। अरे जिम भाजी आप इतने हैंडसम हो, जिम भाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं। भाजी जब आप बॉम्बे आए थे स्ट्रगल के टाइम पे तो स्मार्ट तो आप शुरू से ही हैं, तो मतलब तब तो लड़कियां काफी मरती होंगी, मतलब आइडिया कोई? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बात है, अभी भी ख्याल रखते हैं पूरा। जिम भाजी की आप फिल्में देख लो, पुलिस ऑफिसर, दबंग, कोई कभी कभी नेगेटिव शेड भी करते हैं, ठाकुर के रोल या ऐसे, तो पाजी बाहर तो आपका दबंग ही सिनेमा पे तो कायम है, घर पे आपका करेक्टर कैसा होता है? घर पे नहीं कर पाता तभी तो बाहर करता हूँ। मैंने ये सवाल बड़े लोगों से पूछा, सबका यही हाल है ना। अभी पिछले हफ्ते ये सबसे सही बोला, सब मैं इंक्लूडेड। तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी कहो के डॉक्टर मशहूर गिलाची जैसा हो यार, कितनी बार तुमको मैंने पिलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड, तुम्हारा नेता। व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को, 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके, और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो, मैं आया। Hi, I am Dr. Mashur Gulati. Nice to meet you. Hi, Dr. Mashur Gulati. KKSS. KKSS क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? Yeah. I am like boarding in election. आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा, दैट इज अ प्रॉमिस। ये पाजी इसका फायदा है खुद का, डॉक्टर साहब का ही। आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे कमाते हैं ये लोग। नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। बंदर ऐसे से करते रहते ना, सिर दर्द हो जाता तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते ऐसा। सो मैं फिर प्रचार की डील डन समझो जी। इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। आपको पता पाजी इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिम्मी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास, सोसाइटी के लिए प्लान इनके पास, बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दू लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देंगे? एजुकेशन फ्री। तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? इलेक्शन में खड़ा तू लोग? मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे, मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। इसमें क्या भाई, ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है,
अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर? जिमी सर जी, आवाज पहचानी है? नाम है मेरा दारा सिंह शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है फिर, मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब जब बहुत चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने जैसे मुझे बाहर। अरे जाइए। इरफान भाई, जिम भाई, आपके फैंस आपसे बातें करना चाहते हैं जी। एक एक करके आप लोग जो आपका दिल करता है आप उनसे पूछ सकते हैं जी। हाय इरफान, दिस शिवानी, मैं पुणे से हूँ। हाय शिवानी, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आपने इतने सारे इंटेंस रोल किए, बहुत सारे सीरियस वाले रोल किए, तो आपको ऐसे कभी लगता नहीं कि बर्फ हो, कभी शिफॉन पहने हुए साड़ी हीरोइन के साथ डांस करने का? हाँ, जैसे नहीं हीरोइन ने पहनना चाहिए, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो यहाँ पे बर्फ भी नहीं है, शिफॉन की साड़ी नहीं है, तो पर मेरे साथ रोमांस करने का चांस जरूर है। ये ज्यादा, हाँ, इसका कुछ मतलब निकलेगा, वो शिफॉन की साड़ी का मतलब नहीं निकलेगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या करें, कैसे करें रोमांस? सॉन्ग चाहिए। सॉन्ग? सॉन्ग तो मैंने आज तक नहीं गाया जिंदगी में किसी के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ गाऊं मैं? जी जी, प्लीज प्लीज। और मेरी आवाज फटेगी तो कान बंद कर लेना। गाना भी तो याद करना पड़ेगा यार, मैंने कभी गाया नहीं गाना, आज गा दूं? और अगर गाना अच्छा ना हो तो उसको टेलीकास्ट मत करिएगा प्लीज। नो नो नो, और यहाँ के जितने भी सुन रहे हैं उसे भूल जाइएगा, ये एक खराब सपना समझ के भूल जाइएगा। गलत हुआ है ना? ना ना ना, गलत हुआ, गलत हुआ। अरे नहीं नहीं, पिछली बार से ज्यादा गलत किया। बरखा को ढूंढता है। आज 12 बजवाऊंगा तुम्हारा बेटा। हमें भी आदत नहीं भाई जल्दी जाने की, हम सुबह जाने वाले लोग हैं। ये पोर होके चली जाएगी। पता चला इरफान भाई अभी गा रहे लड़की में। अरे इरफान भाई, मैं तेरे प्यार में पागल, लड़की खुद ही पागल हो जाए। कॉर्ड खराब चल रहा है क्या? अच्छा फाइनली गाना मैंने चूज किया क्या आपने? मैं पूछ रहा था इनसे, ये गाना क्यों आपने चूज किया? बोला नहीं मैंने नहीं किया था। किसने चूज किया ये गाना? मुझे लगा आप अपनी मर्जी से गा रहे हैं। तो मुझसे गाने किसने कहा फिर? गाने को तो उसने कहा, पर आप ये किसने कहा मेरे को गाने को? कोई और गा दो भाई, रोमांटिक सब कोई वो गा दो मेरे महबूब। अच्छा मैं लिप सिंक करता हूं, तू का पीछे से। अच्छा नहीं तो गाना मैंने गाया तो जफियां उनको, मतलब किस हिसाब से? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर ये लगाएंगे इरफान भाई वाला ही ना, ये तो ऐसी मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करना। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त जो इरफान भाई से, जिमी भाई से बात करना चाहते हैं? जी जी मोहतरमा। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो इरफान सर। हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन जिमी सर से है जी। हाय जिमी, मैं सिमी। वाओ सर, कोइंसिडेंस है कि हमारे नाम में राइमिंग है। एंड क्या बात। सर मैं पटना से स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आ जाइए। तो सर मैं आज चाहती हूँ कि आप मुझे प्रपोज करो। मुझे लगता है मैं आपको प्रपोज जरूर करूंगा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी चीज बोली। थैंक यू सो मच, आपने प्यार दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अक्सर लाइन में लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं, वो कि
आपकी मैंने मोहब्बतें देखी थी जब मैं स्कूल में थी, या मुन्ना भाई देखी थी जब मैं स्कूल में थी, आपने वो नहीं बोला थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए बस दो लाइनें बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। तू अपनी स्कूटरी मेरे नाम लिख दे। ना मिले जिंदगी में कभी भी दर्द उसको, चाहे उसकी तकदीर में मेरी जान लिख दे। माहौल गरमा चुका है और मेरी हथेली पे तेरा नाम लिख दे। और कोई ना कोई अपना मकान मेरे नाम लिख दे। तेरा शहरी है मकान। वेल डन। और कोई प्रोडक्शन से एक छोले भटूरे और एक नान लिख दे। जी और कोई मेरे दोस्त। जी भाई साहब। इरफान सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जीनी सर नमस्ते। नहीं बस रोक रहे हैं। कपिल सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं इरफान सर से और जिमी सर से एक बात पूछना चाहता हूँ। दो पूछो। ये जो फिल्मी स्टार जो हीरोइन होती है, हाँ जी, ये अपने जो टाइम जब उन लोग को मिलता है तो वो लोग बहुत सारी बातें करती है जी। इसकी बातें, इसकी सर, उसकी, इसकी टोपी, उसके सर, ये सब टोपियां घुमाती हो, बहुत सारी बातें करती है। आपको जब पता है? आप दोनों जब फुर्सत में मिलते हो, जब फुर्सत में रहते हो, तो आप सर आप लोग क्या बात करते हो? हम लोग बात नहीं करते, उन लोगों की बातें सुनने के चक्कर में रहते हैं। सर और एक क्वेश्चन, जब मैं काम पे जाता हूँ। अच्छा आप अगर ये वाली बाजू ऐसे नहीं रखे तो ये नीचे आ जाती है। एक घंटा मुझे वैसे पूछा मैंने। मैं जब काम पे से मुझे छुट्टी हो जाती है, कभी कभी एक घंटा पहले छुट्टी हो जाती है। कौन सा काम करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट। हाँ जी। जो आपके आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं ना सर, हमारा सर शांतिवन में आहूजा साहब है ना, उसी के पास काम करता हूँ सर मैं। उसने मुझे बोला था कपिल सर को पूछना आहूजा साहब। पर मेरे ध्यान में नहीं है। तो सर मैं जल्दी छुट्टी करके जल्दी घर पे आता हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, आपने तो पर्सनली बता दिया ना कि मेरी सोसाइटी में रहते हैं जो इंजन। अब तुझे याद आ गया होगा। आप वैसे क्या काम करते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा काम है ट्रांसपोर्ट में लोडिंग और अनलोडिंग करना। अच्छा अच्छा। मैं जैसे मेरे से को पूछे आप क्या करते हो, मैं कॉमेडी शो करता हूँ, ये थोड़ी कहूँगा एनपी सर के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा तो सर मैं लोडिंग अनलोडिंग जब जल्दी कर लेता हूँ तब मुझे जल्दी छुट्टी मिलती है। जब आप लोडिंग करते हैं, आपको अनलोडिंग करनी होती है, फिर लोडिंग क्यों करते हैं? सर जो लोडिंग नहीं करेगा तो अनलोडिंग नहीं होगा। अच्छा ठीक है ओके। तो सर मैं जल्दी आता हूँ ना, तो मेरी बीवी मुझे बोलती है अजी सुनते हो, मेरे लिए साबुन लेके आना, लिपस्टिक लाना, सोडा लाना, ऐसे ही बोलती है। घर में दूध नहीं है वो सब लेके आना, फोन पे बोलती है। अच्छा फोन पे। हाँ तो वो भी हाथ उठा के बोलती है। तो सर आपको ये शो जो खत्म करने के बाद जब जल्दी घर पे जाते हो तब आपकी वाइफ आपको क्या बोलती है सर? तो इरफान भाई जब आप फिल्म खत्म करके घर जाते हैं तो बीवी आपको ऐसी डिमांड करती है कि लिपस्टिक लाना? जैसे कि मेरी बीवी करती है, नमक नहीं है सोडा लेके आना, दूध नहीं है पानी लेके आना, सोडा इधर से, ऐसी बोलती है। यार आप तो नारे लगाने का काम किया करो, आपका बड़ा अच्छा है। साथ में आई हो? हाँ जी साथ में आई है। आइए। कहाँ है भाभी जी? ओटिया मोतरमा। कहाँ है भाभी जी? थोड़ा बच के रहा करे, कहीं आपकी आंख में उंगली ना लग जाए इनकी। ये तो मैं तो सोचता सिद्धू साहब ऐसे से करते, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। जब ये घर पे वैसे ही बातचीत कर रहे हो ना, इनके हाथ में डंडी दे देकर जाले उतार दिया करेंगे। उठिए उठिए मोहतरमा उठिए। हाँ नमस्कार। तो बेसिक सवाल ये है कि क्या स्टार्स जो होते हैं फिल्म स्टार्स, उनकी पत्नियां भी ऐसे ऑर्डर करती हैं कि नहीं? पत्नियों के आगे स्टार थोड़ी होते हो आप। एक लाइन में बात करते हैं। सर मैं भी आपके जैसा छोटा सा स्टार, बड़ा सा स्टार बन जाता और बीवी अगर मुझे ताने नहीं मारती तो। अच्छा क्यों, कैसे? बाथरूम जाती हूँ बोलते नल बंद कर, पानी कम आ रहा है, ऐसे बोलते। तो बाथरूम में स्टार बनते क्या? अरे ऐसी भी डराएगी तो मैं आगे एक्टर कैसे बनूंगा? स्टार बनने का रास्ता बाथरूम में जाता है। शुक्रिया ब्रदर, बड़ा अच्छा लगा, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है। थैंक यू सर। थैंक यू। भाभी जी आप इनको कहती रहती ना मसाला ले आना वो ले आना, अभी आपको कहने की जरूरत नहीं, आप इनको फोन कर दिया करेगा। ठीक है मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करता हूँ इरफान भाई। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब, लेकिन इनको नहीं देना, ये भाभी जी को देना है। भाभी जी आइए प्लीज। मैडम एक बात बताइए, जब भी भाई साहब बोले थे खड़े हो तो आप शर्मा रही थी, फोन की बारी आई तो बड़ी जल्दी आई। और
थैंक यू सर। अच्छा आप दो लफ्ज तो कहिए। अरे दो लफ्ज तो कहिए। अरे ऐसे काहे शर्मा रही हैं? अरे दो कुछ तो बोलिए। अरे ऐसे नहीं, नहीं। अरे अपने पति को तो कुछ बोलिए, फोन करेंगे अभी। आप पति को फोन करेंगे कि नहीं? तो आप इधर आइए। और अभी आपको बुरा तो नहीं लगा हमने भाभी जी को फोन दे दिया? तो आपको तो ज्यादा तंग करेंगे। नो सर, नो सर। नहीं, नो सर, अभी फोन मुझे देगी ही नहीं बात करने के लिए। अजय सुनते हो, घर पे जल्दी आओ। तो तू बोल देना। ज्यादा ओ गुरु, तू बोल देना, मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है, और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बात, ऐसे कब ऐसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता रहे हैं, हमको रिंकू देवी कहते हैं, अब हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं, और देख आम पापड़ बैठा है। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे, और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ, और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। देखिए आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक देख नहीं एक 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 बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। भाजी घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया समझ गया, सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? दो से तीन नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं पढ़ने देगी, खुद ही पढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं? घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है हम बाहर कमरे के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में, बेडरूम में सो रहे आप? बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा वन बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन वन ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर हम मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? अरे देखिए, एक एक करेंगे आप। हेलो, अरे सुनो, क्या सिस्टम होता है? होता है, क्या सिस्टम होता है?
आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है, तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए। हम दिए मतलब वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप पैसा कर रहे हैं। चुप कर, घंटा घंटा चुटकुला सुनाती है, हंसने का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल, सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम, उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल, और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहा है। हम बहुत बहुत खुश हैं। बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए, सिस्टम, सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है, बनियान पहना रहता है तीन तीन महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा वो कब बनियान बदलेगा। तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलने चाहिए उनको। हाँ। ऐसा है तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही है। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए बदलना चाहिए, कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा देश हो रहा है, गलत नाम रखा। हो गए सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। फिर भलती बात ना है, देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है, एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हमी को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? अरे उसका। किसका? किसका चोपड़ा? किसका? वो हम समझे जिसका, आपने नहीं देखा उसका किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका? 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 क्या? किसका चोपड़ा? अरे जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है, सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया, बोले कि हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गया, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। आप ही लोगों की वजह से ये लोग टॉयलेट का डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास, जाना पड़ता है। अब प्यासा कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सड़क जाइए। ये मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था, हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था।
लेकिन ये प्यासा प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है, मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया, अब मेरी जो लैटरिन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लैटरिन रोक लो, दो दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है, उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है, वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है, अब सिस्टम से डरा। हंटर से मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा, ये हंटर जो आपने लिया है। हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, हाँ। आपकी सहायता के लिए, मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पावल है या चला गया, उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर को तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद, ऐसा थोड़ा ही है, गलत है। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही, कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो, हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, आप दोनों मौसेरे भाई हैं। देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं होता है, वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, बेचारी भैंस का क्या दोष? तो है ना, भैंस मुंह चुटाएगी तो गाना नहीं गाएगी, दुबरी करेगी। आप मुंह चुटा के देखिए गाना गाती है कि नहीं। अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका, हम भैंस है ये? नहीं नहीं नहीं, तो इनका मुद्दा ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध ये आपको दिया जाएगा, इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। आज जी कब से देख रहे हैं अपना ऐड किया जा रहा है, हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जल से लगा रखा है, दूध है, बनियान है, ये है, वो है, हम ऐसा आएंगे? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ, मेरे मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड देख। अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर कब उसको? अरे अरे बना रहे हैं, अरे आप ऐसे कैसे मार सकती है? ये लीजिए, इससे मारिए, अरे मारिए। क्या क्या? अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रहे हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है, तो कपिल शर्मा शो, कल को हम एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए आप ना, आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए, अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा, ये पकड़ी हम आपको खींचेंगे, कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे खींचेंगे कुआं में। काम क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती है। क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती है। काम क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती है, इस बार इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ एंड में।
सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको, इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा, हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। तो आज के मुद्दे पे जो कि एक खास विशेष बहस हुई, हालांकि इसका फायदा कोई नहीं निकला और ना ही कभी निकलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम के अंत में हम एक सेल्फी जरूर लेते हैं जो हम अपने मेहमानों के साथ। आइए आप इधर जाइए। अल्लाह पता खराब करा जा। हाँ आइए 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 आगे आ जा। ध्यान से आपका मुंह आ रहा है। कितने फोटोजेनिक हैं हम, पहली बार देखे हैं अपने आप को। फोटोजेनिक। थैंक यू भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इरफान भाई और जिनी बाजी के लिए। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।